गाइस स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को जितना डिले किया जा रहा है उतना ही फैन के अंदर एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ रहा है और लोग चाहते हैं कि उन्हें इसका ट्रेलर या फिर एक छोटा सा टीजर ही जल्दी देखने को मिले। वेल, तो आज के मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 10 अगस्त को आ सकता है या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल तो मार्केट में यही रूमर चल रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर हमें 10 अगस्त को देखने को मिलेगा। वैसे इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसे ही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गाइज, अब स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर हमसे ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि अब इस मूवी का रिलीज डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं और इसे रिलीज 17 दिसंबर 2021 को किया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो, नहीं तो हो सकता है कि कुछ महीने के लिए डिले भी हो जाए। और फिलहाल तो इससे रिलेटेड रूमर सब भी आ रहे हैं तो ये डिले भी हो सकती है, क्योंकि जब तक इसका टीजर ट्रेलर नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसका रिलीज डेट कन्फर्म नहीं मान सकते। वेल, अब बात करें इसके टीजर ट्रेलर के बारे में तो रिसेंटली कुछ सोशल साइट पर इस बात के बहुत ज़्यादा ही रूमर फैल रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर हमें 10 अगस्त को देखने को मिलेगा और कुछ लोग तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि इसका फर्स्ट टीजर ट्रेलर 10 से 15 अगस्त तक तो देखने को मिल ही जाएगा। तो भाई, मैं इन सब रूमर पर बस इतना कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो क्योंकि ये सब फेक होती है और इसके पीछे कुछ खास लॉजिक नहीं होता। और बात करूँ कि जो लोग इसके ट्रेलर का रिलीज 10 अगस्त का बता रहे हैं तो उन लोगों का ये कहना है कि स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस जिस कॉमिक में हुआ था उसका नाम अमेजिंग फैंटेसी इशू नंबर 15 था और इस कॉमिक को 10 अगस्त 1962 में पब्लिश किया गया था। तो उन लोगों का लॉजिक ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर पब्लिश होने का ये परफेक्ट डेट है और इससे अच्छा रिलीज डेट उन लोगों को नहीं मिल सकता क्योंकि 10 अगस्त ही स्पाइडरमैन का एनिवर्सरी डेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये ट्रेलर आपको इसी डेट पर देखने को मिले। और पर्सनली मुझे इस लॉजिक में कुछ खास दम नहीं दिख रहा और मुझे यकीन भी नहीं है कि इसका ट्रेलर आपको 10 अगस्त को देखने को मिलने वाला है। वैसे अगर अभी के रिसेंट अपडेट की बात करूं कि इसका ट्रेलर आपको कब तक देखने को मिलेगा तो रिसेंटली डैनियल ने भी इस बात की कन्फर्मेशन कर चुके हैं कि इसका ट्रेलर आपको देखने को तो मिलेगा और उन्होंने इसके दो रिलीज डेट को बताए हैं, एक 3 सितंबर का और दूसरा 24 सितंबर का। और 3 सितंबर को आप तो जानते ही हो कि सैंक्ची की मूवी रिलीज होने वाली है, तो डैनियल का कहना है कि आपको सैंक्ची की मूवी के साथ ही नो वे होम का ट्रेलर देखने को मिलेगा या फिर वेनम मूवी के साथ जो 24 सितंबर को रिलीज होगी, और आपको इन्हीं दो मूवीज़ के साथ इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा, ऐसा डैनियल का कहना है। लेकिन डैनियल भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ सोर्स नहीं है, तो अगर आप इन सब चीज़ों पर विश्वास कर रहे हो तो बस ऐसा रूमर ही करना क्योंकि अभी के टाइम पे स्टूडियो की बातें विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम की थोड़ी बहुत रीशूट भी हो रही है और कुछ माइनर चेंजेस भी किए गए हैं, तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से इसका ट्रेलर डिले हो और स्टूडियो की तरफ से आपको जो ट्रेलर देखने को मिलेगा उसमें बहुत सारे सीन ऐसे ही होंगे और शायद उसी की रिशूट चल रही है क्योंकि आपने इससे पहले भी इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर देखा था जिसमें से बहुत सारे सीन हमें मूवी में देखने को नहीं मिला था, तो हम फैन को कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है, तो हो सकता है कि अभी इन्हीं सब चीज़ों का रिशूट किए जा रहे हो। खैर, जो भी हो, पर स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा, आप इन सब चीज़ों को लेकर निश्चिंत रहो और जब इसका ट्रेलर आने वाला होगा उसके 24 या 48 घंटे पहले अपडेट मिल जाएगा जो ऑफिशियली होगा और मैं उस रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो वीडियो मिस नहीं करने के लिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट में एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख ही पाओगे। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो कमेंट पूछ सकते हो, रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।